हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास एंड आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज का हम एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो हाउ यू कैन बुक योर कनाडा वीजा बायोमेट्रिक। कनाडा की बायोमेट्रिक जो बुक करने का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट हुए लगभग मुझे लगता है कि 6-7 महीने हो चुके हैं। इसके पहले क्या होता था कि जिनके भी वीजा फाइल लॉन्च हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, तो वो पहले भी अपने हिसाब से बायोमेट्रिक करा सकते थे। कोविड के टाइम में बायोमेट्रिक को लेकर बहुत सारे स्कैम हुए थे, लोग बहुत सारे पैसे लेते थे लोगों से कि हम आपके बायोमेट्रिक बुक कर देंगे, बट ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं मुझे सेफर साइड लगता है। अगर आपका एक बार बायोमेट्रिक हो जाता है तो दोबारा से बायोमेट्रिक बुक करने का ऑप्शन आपको आएगा ही नहीं। चलते हैं वीडियो में, वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम कनाडा की बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वेरी रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू दिस, बिकॉज आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको बायोमेट्रिक बुक करने में कोई इशू आता है तो प्लीज डू लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन, और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसकी आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पे मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जब भी कनाडा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा तो आप क्या करोगे, गूगल क्रोम पर जाने के बाद आप वहां पे इंटर करोगे बुक कनाडा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इंडिया। जैसे क्लिक करते हो वहां पे आपके सामने ऑप्शन आता है बुक एन अपॉइंटमेंट VFS ग्लोबल की वेबसाइट, इस पे क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड ऑन अनदर पेज। यहाँ पे आप देख पाओगे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको ऑनलाइन के लिए ही जाना है। क्लिक हियर पे क्लिक करते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि हम अपना बायोमेट्रिक जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो वेब फॉर्म के थ्रू करना होता है। हाँ, पासपोर्ट, जिसका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर भी आता है तो उनको भी वेब फॉर्म के थ्रू ही अपना पासपोर्ट सेंड करना होता है, स्टाम्प कराना होता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद अगेन यू विल सी कि कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है, मतलब कि आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट इफ इन केस अगर कैंसिल हो जाता है, आप टाइमली विजिट नहीं कर पाए, सो व्हाट एल्स यू कैन डू, राइट। यहाँ पे अगर एक बार कैंसिल हो गया तो आपको 5 कैलेंडर, जो भी अपॉइंटमेंट की 5 कैलेंडर होगी, उस टाइम तक आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, आप फिर से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हो। वीजा सेंटर के साइड से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि वो इस टाइम पे आपको कोई भी अपने साइड से रिक्वेस्ट आप अपना रीज नहीं कर सकते, मतलब कि मुझे अर्लियर अपॉइंटमेंट डेट चाहिए या मुझे रीशेड्यूल करना है या कैंसिल कराना है, ये बहुत, तो इस टाइम पे उस सर्विस को इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनका नेक्स्ट पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है कि ये कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो इसलिए आपके पास जो मेल जाएगी अपॉइंटमेंट की वो @vfshelpline.com से ही जाएगी। अच्छा, आपने प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड के बाद आप यहाँ पे अपना चेक कर लेते हो कि कौन सा सेंटर चूज करना है। लेट्स सी, दिल्ली चूज किया। दिल्ली के बाद कितने लोग जाना चाहते हो, 1, 2, 3। अगर एक फैमिली मेंबर है तो आप अपना 2-3 साथ में बुक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इंटर करना है, जिस पे आपको OTP आएगी, और उस OTP के बेसिस पे आप यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हो। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर जैसे इंटर करते हो उसके बाद आई एम नॉट रोबोट ऐसे करके आपको करना होगा, देन अगेन आपके पास OTP का ये ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे गेट OTP करो। OTP ले करते हो, फिर आपको एक OTP रिसीव होती है, OTP इंटर करते हो, फिर वैलिडेट OTP करते हो। जैसे ही आपने वैलिडेट किया, यहाँ पे आपके सामने देखो ऑप्शन आ जाता है कि एप्लीकेंट नंबर कितने हैं, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्शन, सारी चीज़ आ जाती हैं। अब अपलोड के लिए ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको अपना BIL अपलोड करना है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप जैसे अपना BIL अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिक सारे डेटा को फेच कर लेता है, मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो एंड ईमेल आईडी डालते हो, देन आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। सेव के बाद आपके सामने आता है सबमिट का ऑप्शन। सबमिट जैसे ही करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है वो ले ली गई है। यहाँ पे आपके पास एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। VFS ग्लोबल का ये कहना होता है कि रेफरेंस नंबर मिलने के बाद 5 वर्किंग डेज में आपको आपकी अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है। अगर इफ इन केस आपका अपॉइंटमेंट डेट आपको नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, तो 5 वर्किंग डेज में आप क्या कर सकते हो, info.canada@vfshelpline.com पे रिक्वेस्ट डालोगे। वहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी वो होगी, वहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट होगी वो होगी अपॉइंटमेंट लेटर नॉट रिसीव फॉर वेब फॉर्म रेफरेंस, जो रेफरेंस नंबर ऊपर लिखा हुआ है वो। फिर आप अपना मेंशन वेब फॉर्म रेफरेंस नंबर करने के बाद फिर सबसे लास्ट में सबमिटेड ऑन इस डेट को आप मेंशन कर दोगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एंड बाय द वे, आपको अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन आपके फ़ोन नंबर पर भी आती है, जो मोबाइल नंबर आपने स्टार्टिंग में इंटर किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेल जो आई हुई है, यहाँ पर एप्लीकेंट नेम है, अपॉइंटमेंट डेट है, अपॉइंटमेंट का टाइम है और अपॉइंटमेंट का टाइप है।
और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे काइंडली कैरी द डॉक्यूमेंट, कौन कौन से लेके जाने हैं। तो सबसे पहला आपका होगा इस जो भी मेल आई हुई है इसका प्रिंट ले लेना, ये बुकिंग कन्फर्मेशन होती है। सेकेंड में आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, देन आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर लेके जाने हैं, एंड अगेन ये कंसेंट फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करोगे और इसको सारा फिल करके आप इसको लेके जाओगे। तो ये है पूरा प्रोसीजर कैसे आप अपॉइंटमेंट। होपफुली मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आप अपना बायोमेट्रिक बुक कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जगह के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बेटा।